मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ हो जाए पर मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। कौन कौन है वहां? तुम कौन हो बेटा? किस्मत का मारा हूं बाबा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैंने अपने भाई का दिल तोड़ा है बाबा, भगवान मुझे कभी माफ नहीं कर सकता। अगर तूने दिल तोड़ा है तो तू ही जोड़ बेटा। मैं बाबा? हाँ तू। पर कैसे बाबा? तू चल मेरे साथ और सारी बात बता, भगवान सब भली करेंगे। नहीं बाबा, मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। मैं पापी हूँ, शैतान हूँ। मैंने अपने उन भाइयों को बर्बाद किया है जिन्होंने मुझसे कोई रिश्ता न होते हुए भी सगे भाई की तरह भाड़ा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मन में प्रायश्चित की भावना है, तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। तू चल मेरे साथ बेटा। हंसराज, शहनाज, हंसराज के लिए पानी लेकर के आ बेटी। उसने तो मुमताज को भी जीते जी मार डाला। इतना मत सोच हंसराज, तू ही अगर हौसला हार जाएगा तो जानकी और सूरज का क्या होगा? अब बचा ही क्या हकीम जी, एक भाई उठ नहीं सकता, दूसरा घर छोड़कर चला गया, मेरी तो दुनिया ही लुट गई। खुदा पर भरोसा रख हंसराज, खुदा पर भरोसा रख, विजय जरूर लौट आएगा। और देख लेना, सूरज भी एक दिन धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और विजय? वो भी लौट आएगा। मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। Thank you.
शहनाज कहाँ गई? तू दिल छोटा मत कर सूरज, मैंने कहा ना तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखने लगे मुमताज, वो लौटा होगा। अगर उसे लौट कर आना होता तो वो अब तक आ चुका होता। मैं जानती हूँ उसे, वो नहीं आएगा। कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। खुदा ना करे ऐसा हो, वो अकेला मुसीबत से नहीं लड़ पाएगा। तो आपसे प्यार हो गया है राजकुमारी जी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? यहाँ आए नहीं, आपका प्यार हमें यहाँ खींच कर लाया। तेरे प्यार में दिल तड़पने लगा है, तेरे प्यार में दिल तड़पने लगा है, आज मेरे सीने में तू धड़कने लगा है। तेरे प्यार में दिल रहा है, तेरे प्यार में दिल तड़पता रहा है, मेरे दिल में तेरा दिल धड़कता रहा है, तेरे प्यार में दिल तड़पने लगा है, तेरे प्यार में दिल तड़पता रहा है। जानते हो कि इस गुस्ताखी की सजा मौत है, और अपनी मोहब्बत के बिना जीना तो मौत से भी बदतर है। इतना प्यार करते हो समझ में न पाई, आज प्यार समझा तो आंख भर आई। फिर आऊंगा मिलने जरूर, वादा जो किया मैंने उसको ही निभाया, घर तेरे दिल में मैंने अपना बनाया। अरे माँ मेरे मन में, अरे माँ मेरे मन में मचलने लगा है, तेरे प्यार में दिल तड़पता रहा है, तेरे प्यार में दिल तड़पने लगा। अफसरा हो? मैं अफसरा नहीं, तुम्हारी मौत हूँ। तुम मौत के मुंह में आ चुके हो। बड़ी नाजुक है गोरी, प्रीत की ये डोरी, रखना संभाल के दिल
हो न जाए चोरी। मेरी तो पहली और आखिरी ख्वाहिश एक ही है और वो है आपकी मोहब्बत। प्यार में दिल तड़पता रहा है। फिर क्या मकसद था तुम्हारा? मोहब्बत। मोहब्बत? हाँ, राजकुमारी से मोहब्बत। आप खामोश क्यों हैं? हम सोच रहे हैं तुम कैसे इंसान हो जो तुम्हें अपनी मौत की भी परवाह नहीं। ये रोग भी ऐसा है राजकुमारी जी, जो सब कुछ भुला देता है। इसके एहसास के बाद कोई एहसास नहीं होता। कांटे भी मिलेंगे हमको मोहब्बत की राहों में, मौत भी आए अगर आए तेरी बाहों में। तुम यहाँ आ तो गए हो पर जा नहीं पाओगे। यहाँ से जाना कौन बेवकूफ चाहता है, आप मुझे ही रख लीजिए ना। रुसवा न होने दूंगा अपनी ये कहानी, एक दिन बनाऊंगा तुझे अपनी रानी। क्यों ये तन बदन मेरा, क्यों ये तन बदन मेरा पिघलने लगा है, तेरे प्यार में दिल तड़पने लगा है। तेरे प्यार में दिल तड़पता रहा आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ महामंत्री। आज्ञा महाराज। आज्ञा नहीं महामंत्री, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। आज्ञा करें महाराज। महामंत्री, आपने और आपके पुरखों ने इस राज्य की बड़ी सेवा की है। फिलहाल भी आप और आपका बेटा इस राज्य के दो स्तंभ हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि राजकुमारी मीनाक्षी का विवाह सेनापति दुर्पाल से कर दिया। आप आज्ञा करें महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। परंतु। परंतु क्या महामंत्री? महाराज, कहां आप और कहां मैं? व्यक्ति पद या जाति से बड़ा नहीं होता महामंत्री, वो अपने कर्म से बड़ा होता है। हमें आपका फैसला चाहिए। महाराज, मैं भला आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ? तो फिर ठीक है महामंत्री, इस बार मुकाबले की जीत का जश्न सेनापति और राजकुमारी की शादी के साथ ही मनाया जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। हाँ।